बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ का एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज की अध्यक्षता में एडीसी मंडी से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर नर्सरी ट्रेड टीचर पद को सृजित करने की मांग की है। भारतीय जनता मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के माध्यम से नर्सरी ट्रेड टीचर अध्यापिका संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्री नर्सरी के पठन पाठन के अनुसार प्रशिक्षित बेरोजगार महिलाओं की नियुक्ति की जाए। आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो हमने आपको एक छोटा जैसा निवेदन किया कि देखिए आप हमारी मांग जो हमने आज जो उपायुक्त महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के जो मांग पत्र देना है तो उसका जो मकसद है जो हमारा जो मुख्य विषय है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो प्री प्राइमरी स्कूल की जो है सरकार ने जो है जो नोटिफिकेशन कर दी है जिसमें अधिकतर स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी की क्लासेस जो है शुरू कर दी है तो उन बच्चों की अच्छी पढ़ाई करने के लिए भारतीय जनता मजदूर संघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया है कि उनको अच्छी पढ़ाई करने के लिए जो है नर्सरी ट्रेन टीचर को जो है उनके पदों को जो है सृजित करने के लिए और भरने के लिए जो है हमने आग्रह किया। 10 दिन पहले भारतीय जनता मजदूर संघ के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिला से नर्सरी ट्रेन टीचर जो है देखिए माननीय मुख्यमंत्री से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी होगा तो हम आपके लिए जो है जो भी इसके लिए करने के लायक होगा हम सब उसको करेंगे और उन्होंने विभाग को भी लिख दिया है। आज हम दोबारा आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि अप्रैल 2021 से जो है दोबारा जो है देखो उससे पहले जो है इन पदों को जो है सृजित किया जाए और जो है समय पर जो है इन पदों को भरा जाए ताकि हमारे बच्चों का जो पढ़ाई वो सुचारू रूप से चल सके।